गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं अ बर्ड केम डाउन द वॉक। ये आपका 18th चैप्टर है। इससे पहले जो 16 और 17 चैप्टर है वो आपके सिलेबस को मिनिमाइज करने के लिए उसमें से कट हो गए हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 18। इट्स अ पोएम रिटन बाय एमिली डिक्सन। इसमें पोइट क्या बताना चाहता है, एक पक्षी के बारे में बताना चाहता है। अ बर्ड केम डाउन द वॉक, ही डिडेंट नो आई सा, ही बिट एन एंजल वॉर्म इन हाफ्स एंड एट द फेलो रॉ। पॉइंट बता रहा है कि एक पक्षी था जो कि नीचे रास्ते पर आया, उसे नहीं पता था कि मैंने उसे देख लिया, यानी कि पॉइंट ने उसे देख लिया था लेकिन बर्ड ने पॉइंट को नहीं देखा था। ही बिट एन एंजल वॉर्म, उसने एक छोटा सा एंजल, छोटा सा वॉर्म जो मिट्टी में होता है, उस वॉर्म को, उस इंसेक्ट को पकड़ रखा था। इन हाफ्स यानी कि वो उसकी चोंच के आधा इधर था और आधा इधर, ये देखिए यहाँ पर था और आधा इधर था, ठीक है। एंड एट द फेलो रॉ, और उसने उसे कच्चा ही खा लिया। एंड देन ही ड्रैंक अ ड्यू, और उसके बाद उसने एक ड्यू यानी कि जो ग्रास के ऊपर उसकी बूंदें होती हैं वो पी ली। फ्रॉम अ कन्वीनियंट ग्रास, जिस घास के ऊपर वो आसानी से पहुँच सकता था उस घास पर जाके उसने ड्यू पी ली। देन होप्ड साइड वाइज टू द वॉल, और दीवार के जो उसके साथ साथ दीवार थी वहाँ पर चलने लगा। टू लेट अ बीटल पास, ताकि कोई बीटल वहाँ से पास करे। बीटल होते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट्स। ही ग्लैंस विद रैपिड आइज, वो अपनी आँखों से, तेज आँखों से नज़र मारता है। देन हरिड ऑल ब्रॉड अब्रॉड, यानी कि हर तरफ तेजी से नज़र घुमाता है। दे लुकड लाइक फ्राइटन बीड्स आई थॉट, पॉइंट कहता है कि मुझे लगता है कि जितने भी पक्षी हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो सभी डरे हुए रहते हैं। ही स्टर्ड हिज वेलवेट हेड, और जो पक्षी था उसने अपने हेड को बिल्कुल भी नहीं हिलाया ताकि वो किसी भी बीटल को, किसी भी इंसेक्ट को पकड़ सके। लाइक वन इन डेंजर कॉशियस, जैसे कोई खतरे में होता है उसी तरह से प्रिकॉशंस लेता है, जैसे ध्यान रखता है और चिंता में होता है, उसी तरह से वो पक्षी भी था और वो छोटे छोटे एनिमल्स भी थे। आई ऑफर्ड हिम अ क्रम्ब, मैंने उसे एक रोटी का टुकड़ा या ब्रेड का टुकड़ा ऑफर किया खाने के लिए, लेकिन वो मुझसे डर गया। एंड ही रोल्ड हिज फैदर्स, लेकिन उसने अपने पंख खोल लिए। एंड रोल्ड हिम सॉफ्टर होम, और उसके पंख उसे उसके सॉरी कोमल पंख जो थे उसे अपने घर की तरफ ले गए। देन ऑर्स डिवाइड द ओशन, उसके बाद मैं भी मुड़ गया, कहाँ, महासागर की तरफ, जहाँ पर मैंने देखा एक बोट के अंदर ऑर्स यानी कि पतवार चल रही थी। पतवार क्या होते हैं, एक तरह के चप्पू होते हैं जो बोट को लहरों में से आगे लेकर जाते हैं। टू सिल्वर फॉरेस्ट सीम, वो समुद्र को दो हिस्सों में बांट रहे थे और जहाँ पर चप्पू चल रहा था उस जगह पे सिल्वर कलर की शाइनिंग आ रही थी। और बटरफ्लाइज ऑफ बैंक्स ऑफ नून, और वहाँ पे बहुत सारी तितलियाँ, ऐसा लग रहा था जैसे दोपहर के समय किनारे पर, महासागर के किनारे पर तितलियाँ उड़ रही हों। लीप प्लैशलेस एज दे स्विम, जैसे जैसे चप्पू चल रहा था वो ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पे तितलियाँ हों, और वो नज़ारा बहुत ही सुंदर था। वहाँ पे जंपिंग हो रही हो, जैसे फिशेज स्विम करती हैं उसी तरह से वो बोट उस पानी में, उस महासागर में तैर रही थी। आई होप आपको ये पोइम समझ आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।